हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रेसिपी देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मैक्रोनी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन, मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है जिसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप 3 टेबल स्पून भी ले लेते हैं, लेकिन मेरे पास 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है। चॉप अनियन लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में। इसका बस कलर चेंज करूँगी, और जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर कैरेट। कैरेट भी मैंने चॉप अनियन के मुताबिक ही चॉप की हुई है, और आप देख सकते हैं कि बस मैं इनको अच्छी तरीके से सौते कर लूँगी। बिल्कुल अच्छी तरीके से सौते करिएगा ताकि ये गाजर बहुत अच्छी तरीके से पिघल जाती है। मेरे पास रखा हुआ था कीमा, आपको मैं पहले दिखा चुकी हूँ, हरी मिर्च कीमा है। एक्चुअली मेरा कीमा बच गया था, तो मैंने सोचा चले आज बच्चों को मैक्रोनी बना दूँ ताकि मेरा कीमा वेस्ट भी नहीं होगा। अक्सर आप देखते हैं कि रमज़ान में सालन बचना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी में खाया नहीं जाता, तो आप इसको मैक्रोनी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था, पहले वाइट पेपर थोड़ा सा लिया था 1/2 टीस्पून, और फिर मैंने लिया है कुटी हुई मिर्च, साथ मैंने लिया है चिकन पाउडर, और साथ मैंने लिया है चाट मसाला जो मेरे घर का बना हुआ है वही मैंने इसमें डाला है। वो डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। साथ मैंने लिया था ब्लैक पेपर भी 1/2 टीस्पून। मैंने सारा रेसिपी कार्ड अपना शो मेंशन किया होता है, आप जब भी बनाएं आप उस पर देख के बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर खाना रमज़ानों में बचना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे चीज़ें वेस्ट होता है। तो आप प्लीज़ खाने को वेस्ट नहीं करिएगा। और साथ मैंने डाला है सोया सॉस और चिली सॉस, मैंने बॉटल की मदद से ही डाला है, और ये मैक्सिमम 1 कप है। दोनों चीज़ों को मतलब बराबर लेंगे तो 1 कप बन जाएगा। बस मैंने इसमें सब कुछ डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने लिया है शिमला मिर्च, मैंने एक ली है बड़े साइज़ की थी, और एक ही टमाटर लिया है वो भी बड़े साइज़ का टमाटर था। चाहे आप 2 ले लें चाहे 3, जितनी आपकी आप सब्ज़ी खाना चाहते हैं इसके अंदर आप उतनी डाल सकते हैं। फिर बजाय बस मैंने इसको मिक्स किया, फिर मैंने इसको ढक कर रख दिया था। इसको मैंने मैक्सिमम 5 मिनट दिया था, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कीमा मेरा बिल्कुल रेडी था, सिर्फ मुझे सब्ज़ियों को हल्का सा सौते करना था। वो बस सौते हुआ है, साथ ही में आप देख सकते हैं चम्मच चलाया है मैंने। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो रहा है। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फिर मैंने यहाँ पे केचप डाला है, आप कोई सा भी केचप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने चिली सॉस वाला केचप डाला है जो मुझे बहुत पसंद है, शंग्रीला का, मैंने वो ऐड किया था। और साथ मैंने मैक्रोनी को पहले से बॉईल करके रख लिया था, और मैक्रोनी फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और मेरी माशाल्लाह से ये मैक्रोनी 1 kg मैक्रोनी थी, मतलब पूरा पैकेट था, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने फिर इसको पूरा ही माशाल्लाह से करके इसको चम्मच के मदद से आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से इसको आपस में मिक्स कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे आप लोगों का फीडबैक का बहुत बहुत इंतज़ार होता है। और प्लीज़ मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा साथ चाहिए आप लोगों का, ताकि मैं अपने 100,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर सकूँ। और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपी शेयर करूँ। और प्लीज़, रमज़ान आने वाले हैं, उसमें आबादतें बहुत ज़्यादा होती हैं, आबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो बस इसी की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान होता है। और प्लीज़ खाने को वेस्ट मत किया करें, खाना बहुत बहुत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।